सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम दुल्हन के मेहंदी का नाश्ता बना रहे। पहली मेहंदी रहती ना, उसमें जो नाश्ता बनता है वो नाश्ता बना रहे, एकदम टेस्ट। कोकनी शादियों का, कोकनी शादियों का। आज हम दुल्हन के मेहंदी का, पहले मेहंदी का नाश्ता बनाए और कैसा सब करते हुए बताए। ये देखो, ऐसे पोलेटो में सब करते, उसके साथ एक पप्पर, दो पप्पर रहते, दो पप्पर अचार बाजू में रहता है। ऐसा हम ऐसा सब करते मेहंदी का नाश्ता दुल्हन के। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुल्हन के मेहंदी का नाश्ता। ये पाव किलो चावल लिए हैं, ये चावल है बासमती, और पाव किलो गुड़। इसमें पाव किलो चावल में पाव किलो गुड़, आधा नारियल का दूध है, आधा नारियल की चून है, एक गिलास पानी है, आधा प्याज है। ये पहले मेहंदी के नाश्ते में प्याज जाता ही है, लेकिन आपको डालना है डालो, नहीं डालना है नहीं डालो, क्योंकि हमारे बच्चे प्याज डालते तो नहीं खाते, तो हमको आपको दिखाना है इसलिए डाल रहे। चुटकी भर करण लिए केसरी, स्वाद अनुसार नमक लिए, किशमिश बहुत सारी लेते क्योंकि उसमें किशमिश दिखती ना तो नहीं देने वाले, नहीं खाने वाले लेके खाते हैं गांव में। ये देखो, दो दालचीनी का टुकड़ा, चार लौंग है, चार पांच लौंग है, और घी डालेंगे, घी बहुत सारा डालेंगे, दिखाऊंगी आपको। अभी इसका तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी डालेंगे। हाँ देखो, बहुत सारा घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम मसाला डालेंगे। हाँ इसमें इलायची नहीं जाती बेटा, हाँ मैं बता रही आपको। जब ये दुल्हन को मेहंदी लगती ना, जब क्या करते हैं गांव में, जो जूनी जूनी बड़ी बड़ी औरत रहते ना, उनको बुलाते हैं नाश्ता बनाने, और घर में चूल्हे पे बनता है नाश्ता। ये देखो, देखो ये गरम मसाला अच्छे से भून के हो गया। अब प्याज डाल, प्याज डाल दिए। प्याज को खाली नरम करने का, कलर बदली नहीं करने का। देखो प्याज नरम हो गया। अभी ये चौदाल चून डाले, नारियल की चून, ताजे नारियल की चून। अभी इसको जरा भुनेंगे। नारियल की चून हो गई भून के, अभी इसमें गुड़ डालेंगे। अभी गुड़ को पिघा लेंगे, गुड़ को करप नहीं करने का, खाली पिघालने का। आधा गिलास अभी पानी डालेंगे, ये देखो आधा गिलास पानी डाले। अभी जरा पकने देंगे, ये केसरी कलर और नमक डालेंगे। अभी इसको उबाल आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी को उबाल आ गया। हाँ गुड़ अच्छे से पक गया। अभी इसमें नारियल का दूध डालेंगे, ये देखो नारियल का दूध डाल दिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध है। नारियल के दूध खाली गरम करने का, इसमें उबालने आने देने का और चावल छोड़ने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको उबाल आने नहीं देने का, नहीं तो चावल दूध फट जाएगा। अभी ये हो गया, अभी इसमें चावल डालेंगे। ये देखो गरम हो गया दूध, इसमें चावल डालेंगे, उबाल आने देने का नहीं तो दूध फटता है। जैसे ये मालूम पड़ेगा ना कि ये उबाल आने वाला है, तो उससे पहले चावल डाल देने का। अगर उबाल आने के बाद में चावल डालेंगे ना, तो चावल नहीं पकते, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा दूध भी फटता है, दूध भी फटता है। ये देखो चावल डाल दिए। अभी इसको अच्छे से पहले ये डालेंगे, किशमिश डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किशमिश बहुत सारा डालने का। ये देखो अभी इसको चम्मच चलाने की और सूखने तक पकाने का। बाप रे, मुंह को पानी आ गया रे। मेथी का नाश्ता बन रहा है एकदम टेस्टी, क्या खुशबू आ रही है। अभी इसको सूखने तक पकाएंगे 5 मिनट। देखो अच्छे से चावल पक गए। अभी इसको बारीक गैस पे रखेंगे 5 मिनट, फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो
फर्स्ट क्लास मेथी का नाश्ता तैयार है, ऐसा चम्मच चलाने का और इसको डिश आउट करने का। देखो कितना अच्छा बना है, एकदम टेस्ट है इसका। पकते पकते खुशबू अच्छी आती है, ऐसे आ रही है। इसको कैसा देंगे ना मेहमान को, वो भी बता रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए दुआ करती, जो नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करती। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो, सबके घरों में खुशियों की बहार आने दो, सबकी उम्र दराज होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो, दिली मुराद सबकी पूरी करो, रोजी रोजगार से नवाजो, गरीबी दौलत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी के घर में किसी को भूखा मत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको रोजी रोटी अपनी दे दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। जो लड़कियाँ की शादी नहीं होती उनकी शादी होने दो, वो अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। जो हॉस्पिटल में बैठे हैं बेचारे मरीज, वो अच्छे हो कि घर पे आने दो, उनकी उम्र दराज होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बेचारे बीमार शिमार है उसको अच्छा रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद नहीं भरी उसको साहिब औलाद होने दो, उसकी गोद भरने दो, उसको खुश करो। अल्लाह पाक परवरदिगार बेटा रहे बेटी रहे कुछ भी, लेकिन एक औलाद होना जरूरी है। एक, हाँ मैं दो नहीं बोलती हूँ, एक औलाद होना जरूरी है। अल्लाह पाक परवरदिगार जिस जो लड़कियाँ शादी की बैठी उनकी शादी होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सब जो नौकरी पे हैं बच्चे लोग नहीं है घर के लोग, उनको नौकरी मिले तो बाबूद वाली नौकरी मिलने दो, हक हिलाल की रोजी मिलने दो। उनके माँ बाप को कुछ करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रेसिपी को आगे बढ़ाओ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। मेहंदी का नाश्ता खाने के लिए आओ, ये देखो कैसा खाने का बता रहे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। नानी मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। एकदम टेस्टी, एकदम टेस्टी। तुम भी खा रहे? गांव की याद आई, गांव की एकदम टेस्टी। मेरी गुड़िया खाती देखो। कैसा लगा रू? अच्छा। अच्छा, सच बोलो, सच। कैसा लगा? लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रोज के लिए मिलेगा लाइक।